स्ट्रेंथ के साथ। देखिए आज पूरे देश की सहानुभूति एनसीपी और शरद पवार जी के साथ है। जिस तरीके से धोखा देके उनकी पार्टी को तोड़ा गया और सरकार बनाई गई, वो आज पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब को महाराष्ट्र में सहानुभूति मिल रही थी, आज वो सहानुभूति मुझे लगता है शरद पवार जी को भी मिल रही है। और सब लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करके अलग अलग दलों को, खास तौर पे क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है। एक केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उनका बयान है कि सिचुएशन अभी महाराष्ट्र में है, सेम सिचुएशन बिहार में जल्द राइज हो सकती है, देखने को मिल सकती है। ये मुझे लगता है कि उनका बयान जो है किसी न किसी तथ्य पे आधारित होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार हर राज्य के अंदर कोशिश कर रही है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चाह रही है वहां वहां दूसरी पार्टियों के नेताओं को ईडी सीबीआई के झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, पुलिस द्वारा केसों में फंसाया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है, और उनको अपनी पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज तो ये देश, पूरा देश देख रहा है। यूपी के एक नेता ओम प्रकाश राजकीय ने उत्तर प्रदेश में भी बड़ा हेरफेर होगा, समाजवादी पार्टी के कई विधायक सांसद बीजेपी के संपर्क में सरकार में शामिल होना चाहते हैं, होंगे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक समय था जब इस पे थोड़ा पर्दा था, आज तो एक खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा है। आपको जिसकी सरकार गिरानी हो उसके विधायकों मंत्रियों के ऊपर ईडी और सीबीआई से झूठे मुकदमे बनवाए जाएं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए, एक आध को उदाहरण के तौर पे जेल में ठूस दिया जाए और फिर कहा जाए कि भाई अब आप भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो आपके सारे गुनाह माफ हैं, अगर आप उसी पार्टी में रहेंगे तो आप जेल में सड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है इस डर से जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय राउत का एक बयान आया था सुबह कि 16 जो विधायक हैं जितने एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री हैं वो जल्द डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि वो मामला कोर्ट में इस पे रिएक्ट किया है शिवराज सिंह चौहान ने कि हमारी वहां की सरकार पूरी तरह से स्ट्रांग रहेगी, सरकार में रहेगी, 24 तक सरकार चलाएंगे। अब शिवराज सिंह चौहान किस मुंह से ये वाली बात बोल रहे हैं, उनकी तो खुद सरकार जो है कांग्रेस की बेसाखियों पर चल रही थी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में चुनाव हार गए थे, कमलनाथ चुनाव जीते थे, कमलनाथ की सरकार बनाई, फिर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी लालच में या जिस तरीके से भी कांग्रेस को तोड़ा, कांग्रेस के विधायकों को साथ लेके शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनाई। तो ये तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान साहब को तो ये हक ही नहीं है कि वो इस बारे में कुछ बोल सकें। एक दूसरा मुद्दा अभी जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल का बयान आया कि जो अपोजिशन की मीटिंग होने वाली थी जो प्रस्तावित थी 12-13 जुलाई को, वो अभी टल सकती है, 17-18 जुलाई को हो सकती है। देखिए हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं है और जैसा भी होगा आगे का कार्यक्रम वैसा काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।